हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेडर अंकित त्यागी में, और मैं हूं श्वेता त्यागी। और मैं बात करने वाली हूं यस बैंक के बारे में। यस बैंक में जो है आज एक पॉजिटिव न्यूज़ सुनने के लिए मिली, जिसके चलते जो है बैंक में आज 6% की तेज़ी देखने के लिए मिली। न्यूज़ की बात करी जाए तो यस बैंक पर जो है LIC और बैंकों का भरोसा कायम है, जिसके चलते इसमें इतनी बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिली। अब बात कर लेते हैं यस बैंक में किसकी कितनी हिस्सेदारी। मार्च 2022 तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक यस बैंक में 26.40% हिस्सेदारी SBI की है, 3.48% की हिस्सेदारी कोटक बैंक की, 1.28% की हिस्सेदारी HDFC बैंक की है, 1% की हिस्सेदारी IDFC फर्स्ट बैंक की है, 2.61% की हिस्सेदारी ICICI बैंक की है। बात करी जाए LIC की तो LIC की जो हिस्सेदारी है वो 4.34% की है। यस बैंक मार्च 2023 तिमाही और पूरे वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 के नतीजे 22 अप्रैल को जारी होंगे। कंपनी ने 12 अप्रैल की तारीख में एक्सचेंज फाइनल में जानकारी दी है कि 22 अप्रैल बैठक होगी, जिसमें रिजल्ट को बोर्ड से मंजूरी मिलेगी। घरेलू ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी का अनुमान है कि मार्च 2023 तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 12.5% गिरकर यानी कि 1321.70 करोड़ रुपए तक आ सकता है। हालांकि ब्याज से आने वाली नेट इनकम 6.2% बढ़कर आई है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।